इंस्पेक्टर साहब को इस बारे में ये बहेलिया एक जो क्रिमिनल घुमंतू तरह के लोग हैं, बहेलिया जिस तरह से बावरिया या छैमार हैं उसी तरह से बहेलिया गैंग के सदस्य हैं, जिनके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा ये मूल रूप से बेसिकली अमरोहा और बिजनौर साइड के रहने वाले हैं और अपने ठिकाने को लगातार बदलते रहते हैं। ज़्यादातर एक जगह पे 15 दिन के लिए अपना ठिकाना एस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पर किसी न किसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद में फिर अपना ठिकाना 15 दिन बाद चेंज करते हैं ताकि ये ट्रेस ना होने पाए। ज़्यादातर जैसे देखा होगा आपने कि सड़क के किनारे कहीं खुली जगह पे कुछ टेम्प्रेरी दबों के साथ में क्षेत्र में रेकी करना, स्थानों को चिन्हित करना जहाँ पर इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। उस तरह से रेकी करने के बाद में रात्रि में ज़्यादातर इनके जो मेल मेंबर हैं उनके द्वारा क्रिमिनल इंसिडेंट जो है उनको अंजाम दिया जाता है। जो आपराधिक घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं या की जाती हैं उसमें चाहे वो रोड रॉबरी हो, चाहे वो स्नैचिंग हो, चोरी की घटनाएं हो, डकैती की घटनाएं हो, हर तरह का जो संपत्ति संबंधित अपराध है वो इनके द्वारा किया जाता है। अमूमन ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं और जो वेपन का यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर लोहे की रॉड या कुछ असलह तमंचे वगैरह का इस्तेमाल ये करते हैं। जो अभी पकड़े गए हैं उनके पास से जो असलह बरामद हुआ है इन्होंने बताया कि जो घटना इनके द्वारा की जाती है जहाँ अलग अलग डेरे बना करके ये रहते हैं, जहाँ पे भी इनके जान पहचान या रिश्तेदारी है वहाँ पे उनके माध्यम से किसी जगह को चिन्हित करके वहाँ पे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। 2 डकैतियाँ हरिद्वार में जो ये खुलासा हुआ है गैंग का, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैनुअली कि 2 डकैतियाँ हरिद्वार में डाली हैं एक गैंग ने जो कि फिलहाल हमारे जनपद में रह रहा है और हमारे यहाँ पर फेज 3 में डकैती की योजना बना रहे हैं करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया है। पहले स्टार्टिंग में इनके द्वारा अपने नाम गलत बताए गए थे, उसके बाद पूछताछ में इनके नाम जो सामने आए हैं इसको वेरीफाई करवाया गया है। कई घटनाओं का कन्फेशन इनके द्वारा किया गया है, इसमें अलग अलग जनपदों की, इसमें हरिद्वार की घटनाएं हैं जो इनके द्वारा की गई हैं, अमरोहा की घटनाएँ हैं, बिजनौर की घटनाएँ हैं, गौतम बुद्ध नगर की घटनाएं हैं, गाजियाबाद की घटनाएं हैं और अन्य कुछ जनपदों की भी घटनाएं सामने आई हैं जिसको संबंधित जो पुलिसकर्मी हैं जनपदों के वो पूछताछ कर रहे हैं लगातार। जिस तरह के जो हरिद्वार में 8 सितंबर को और इनके द्वारा अमूमन जो डकैती डाली गई है वो इनके टीम के 11 सदस्य इनके गैंग के होते थे जो डकैती को डालते थे,